चैनल आज हम देखेंगे फ्यूज क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्यूज वैसे बेसिकली देखा जाए तो ये घरों में पहले ज्यादा यूज हुआ करता था, जैसे कि अगर करंट बहुत ज्यादा आ गया, जैसे वोल्टेज जो घरों में बढ़ जाता था, तो करंट अगर ज्यादा आ गया है तो क्या होता था कि वो सर्किट ब्रेक हो जाया करता था, और ब्रेक होने के कारण से पूरे घर की लाइट आपकी बंद हो जाया करती थी, है ना। तो ये पहले यूज हुआ करता था, बट आजकल तो MCB यूज होने लगा है। तो देखते हैं वैसे फ्यूज क्या है। तो फ्यूज क्या है, बेसिकली ए शॉर्ट पीस ऑफ मेटल इंसर्टेड इन द सर्किट, मीन धातु का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको सर्किट में इंसर्ट किया जाता है, विच मेल्ट्स व्हेन एक्सेसिव करंट फ्लोस थ्रू इट। ठीक है, जब उसमें एक्सेसिव करंट फ्लो होता है तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, एंड दस ब्रेक द सर्किट, और जिससे कि सर्किट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो ये है आपका फ्यूज, मीन्स धातु का एक छोटा सा टुकड़ा, धातु का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे सर्किट में लगाया जाता है, और अगर अधिक करंट फ्लो होता है तो वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज एक बैटरी लगी है, ठीक है, ये एक फ्यूज हो गया आपका, यहाँ पे आपने कोई लोड लगाया है, ये हुआ आपका स्विच, अब ये लोड कुछ भी हो सकता है, ये जो लोड है आपका कुछ भी हो सकता है, फैन हो सकता है, आपका टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये लोड, है ना। तो जब इस बैटरी से अगर आप सपोज स्विच क्लोज किए और बैटरी से अगर एक्सेसिव करंट फ्लो होएगा तो ये फ्यूज आपका जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना, जिससे कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो ये आपका जो लोड का पार्ट है ना, ये फ्यूज की वजह से बचा रहता है। अगर आप फ्यूज नहीं लगाओगे तो हो सकता है इसकी करंट कैपेसिटी उतनी नहीं हो जितना कि इसमें एक्सेसिव आ गई है, तो ये आपका जो कंपोनेंट जो भी आप लगाए रहोगे वो खराब हो जाएगा तुरंत, इसलिए बेसिकली फ्यूज का यूज किया जाता है, है ना। अब अगर फ्यूज सपोज खराब हो गया है ना, तो इसको चेंज करने में एक्चुअली टाइम लगता है, इसलिए आज के टाइम पे क्या यूज होने लगा है, MCB। तो MCB में क्या होता है, सर्किट अपने आप ट्रिप कर जाता है, जैसे अगर एक्सेसिव करंट फ्लो होएगा तो वो अपने आप ट्रिप कर जाएगा, और आपके जो भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो बचे रह जाएंगे, खराब नहीं होते हैं फ्यूज की वजह, MCB की वजह से, है ना। अच्छा, अब फ्यूज जो होते हैं आपके, तो वो मटेरियल जो होते हैं फ्यूज के, तो मेनली ये होते हैं जिंक, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड एलॉय। ठीक है, तो ये आपके मेन कंपोनेंट हैं जो कि फ्यूज बनाने में यूज होते हैं, और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है, एक एवरेज मैं लिख रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट जो है तो 60 डिग्री सेल्सियस से आपका 200 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा, फ्यूज में दो चीजें हैं, पहला तो फ्यूज में आपका रेजिस्टिविटी एंड सेकेंड मेल्टिंग पॉइंट। रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, शुड बी लो। ठीक है, रेजिस्टिविटी अगर कम होगी तो वो अच्छा कंडक्टर होगा, और मेल्टिंग पॉइंट अगर कम होगा तो जैसे ही करंट थोड़ा भी ज्यादा होएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, मीन सर्किट ब्रेक हो जाएगा। मीन्स लो का मतलब ये, यहाँ पे ये भी नहीं है कि एकदम ही लो हो जाए ना, कि आपने थोड़ा भी करंट दिया है कि वो ब्रेक हो गया सर्किट, इतना भी लो नहीं, है ना। और सेकंड पॉइंट जो है, तो कोरोजन रेजिस्टेंस शुड बी हाई, कोरोजन रेजिस्टेंस शुड बी, कोरोजन रेजिस्टेंस शुड बी हाई, इसका जो कोरोजन ना होने पाए, मीन्स ऑक्सीडेशन वो ना होने पाए,
ओके, तो ये दो चीजें हैं थोड़ा सा ध्यान रखने की फ्यूज सेलेक्शन के टाइम पे। और जो फ्यूज की रेटिंग है तो वो दो चीजों पे डिपेंड करती है मेनली। वो दो चीज कौन कौन से हैं? फ्यूज में करंट रेटिंग, करंट रेटिंग एक्चुअली, ठीक है, करंट रेटिंग इन फ्यूज मेनली डिपेंड्स अपॉन पहला तो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, ठीक है। और सेकेंड बात इसमें यहां पे है कि जो करंट रेटिंग है तो वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ठीक है। तो जो भी आप फ्यूज यूज करोगे उसकी थिकनेस पे नहीं डिपेंड करेगा इसकी करंट रेटिंग, और सेकेंड थिंग फ्यूज की लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ओके, तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूज। यहाँ पे वोल्टेज के आधार पे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका लो वोल्टेज फ्यूज, लो वोल्टेज फ्यूज। लो वोल्टेज में भी एक्चुअली यहाँ पे दो टाइप के हैं। ओके, पहला है यहाँ पे आपका सेमी इंक्लोज्ड रिवायरेबल कहलाता है, सेमी इंक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज। और सेकंड है आपका कार्ट्रिज टाइप, कार्ट्रिज टाइप, ठीक है। तो सेमी इंक्लोज्ड जो होते हैं बेसिकली वो आपके पोर्सिलिन के बने होते हैं, पोर्सिलिन के बने होते हैं। पोर्सिलिन मतलब होता है आपका चीनी मिट्टी, ठीक है। जो सेमी इंक्लोज्ड है वो आपका पोर्सिलिन के बने होते हैं, पोर्सिलिन मीन्स चीनी मिट्टी के होते हैं वो। और यहाँ पे ये आपका लो वोल्टेज लो करंट रेटिंग के लिए यूज होता है, लो करंट के लिए आपका यूज होएगा ये। और जो कार्ट्रिज होता है तो वो बेसिकली कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे आप उसको लो के लिए भी यूज कर सकते हो, हाई के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको लो वोल्टेज के लिए भी, हाई वोल्टेज के लिए भी, बट ये जो हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है, जो हाई वोल्टेज के लिए यहाँ पे यूज होता है उसको HRC कहते हैं, ठीक है। जो हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है कार्ट्रिज टाइप में उसको HRC कहते हैं, और ये HRC आपका हाई वोल्टेज में भी यूज होता है। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है इसका, ठीक है, वो हाई वोल्टेज फ्यूज है। तो जो HRC टाइप के फ्यूज है तो हाई वोल्टेज में यूज होते हैं, ठीक है। तो हाई वोल्टेज देख लेते हैं। अच्छा, ये जो सेमी इनक्लोज्ड रिवायरेबल है ये घरों में ज्यादातर यूज होता है। जो चीनी मिट्टी का आपने देखा होगा तो वो बाहर का मटेरियल उसका पोर्सिलिन का होता है, अंदर पे आप कोई भी कंडक्टिंग वायर लगा देते हो ना तो वो आपका फ्यूज बन जाता है। बट ये जो कार्ट्रिज टाइप से है ये इंडस्ट्री वगैरह में सब में ज्यादा यूज होता है ना। अच्छा, और वैसे फ्यूज आगे देखते हैं, हो गया इसका यूज। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो है तो हाई वोल्टेज फ्यूज। सेकेंड है हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज फ्यूज। यहाँ पे ये जो हाई वोल्टेज फ्यूज है तो वो आपका 33 kV के लिए आपका HRC यूज होता है। 33 kV तक के लिए यहाँ पे HRC यूज होएगा, और अगर उससे ऊपर है तो फिर वो हाई वोल्टेज कार्ट्रिज फ्यूज यूज होएगा। मींस अगर जैसे 132 kV
है और 400 एम्पियर अगर करंट है तो यहाँ पे हाई वोल्टेज 400 यूज होता है, ठीक है। और इसको बेसिकली वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर में ज्यादा यूज किया जाता है हाई वोल्टेज को। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर में इसको ज्यादा यूज किया जाता है हाई वोल्टेज फ्यूज को। और यहाँ पे जो इसका यूज है बेसिकली तो घरों में होता है इसका यूज, और दूसरा आपके कंप्यूटर में भी फ्यूज लगे होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो इंडस्ट्री वगैरह में भी फ्यूज बहुत यूज होता है, ओके। और भी कई एरिया है जहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है जहाँ पे यूज होता ही है, ओके। टेलीकॉम सेक्टर में भी यूज होता है, टेलीकॉम में, ठीक है। तो यहाँ यहाँ ये फ्यूज आपके यूज होते हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट फ्यूज।